गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग दीदी। क्या उठ गया तेरा ब्लॉगर? और सुनाओ जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आशीर्वाद बैक बैक फटाफट कंटिन्यू रखा, बहू मिलेगी बहू। बहुत बढ़िया, नाइस। देखता हूँ तेरा 3 महीने में कितना आशीर्वाद फल रहा है मुझे। और दोस्तों, आज की ताजा खबर ये है कि आज हम जा रहे हैं सेंटा क्रूज बीच, और कल गए थे हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का पूरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा और मुझे लग रहा है कि वो सारा पसंद भी आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं सेंटा क्रूज बीच, आज बहुत जाके करेंगे मस्ती। सैन फ्रांसिस्को में है दीदी, सैन फ्रांसिस्को में ही है ना सेंटा क्रूज बीच? हाँ। वहाँ पे क्या क्या होता है? वहाँ पे एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट है, एम्यूजमेंट पार्क प्लस बीच है, तो आप बच्चों के साथ मजे करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, दिन स्पेंड करो और बीच पे नहाओ दो। तो बस अब हम जा रहे हैं सारे के सारे लोग, फुल फैमिली, और लौट के आएंगे हाईवे 1 के थ्रू, तो हाईवे 1 की ब्यूटी मिलेगी देखने को सारी की सारी। ठीक है ठीक है, और वहाँ कैसा लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहो व्लॉग में और मजे लेते हैं। दीदी क्या बना रही हो? दीदी तू क्या बना रही है? जो मुझे लग रहा है वही है क्या ये? हाँ ये वही है। नाइस। और ये बहुत अच्छा खाना इसलिए बना रही है क्योंकि मेरी आदत खराब हो जाए। हाँ, और फिर उससे क्या होगा? जिससे तू हर 3 महीने में आए। पर अभी तो मैं 3 महीने यही हूँ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है, पर जाते ही तू 3 महीने में इधर आए, तेरा क्या है? अब एमएसटी बन जानी चाहिए फ्लाइट। यार पता है मम्मी को बहुत शर्म आएगी। हाँ। अगर मैं वहाँ जाते ही कह लगू ना कि मुझे दीदी खाने की याद आ रही है। हाँ। कहेंगी तो साले यहाँ इतना खाना खाता है। हाँ। अब तो ऐसी औकात दिखा रहा है अपनी। तेरे को पता हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा कि तुमने माँ की वैल्यू खत्म कर दी। क्योंकि लंच बन रहा है ना आज के बाद, तू अगर ये खा लेगा मेरे हाथ का, फिर तुझे ये चीज दुनिया में किसी के हाथ की अच्छी नहीं लगेगी। देख सर्राटे वाला काट के दिखाऊं? हाँ। देख उंगली मत काट ली। साले देख, अगर मेरी उंगली कट गई ना, सॉरी साले नहीं बोल सकते अपन ब्लॉक में, नहीं बोल सकते कोई आपत नहीं आ रही। साला मैं इस घर में किसी ना किसी की साला हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो किसी का तो साला है, सही बात है यार। और जीजा दीदी तो एक ही होते हैं ना, फिर कोई बात नहीं। हाँ, माफ किया मैंने तुझे, मैंने तुझे माफ किया, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तू बोल सकती है। बस ऐसे ही तू कुट पिट के मेरे को माफ कर दिया कर हमेशा। नियम बाबूजी का देखो कितना तगड़ा स्टाइल टीवी देखने का। हाँ जी, क्या हाल है नियम? से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लाउड नियम, स्पीक लाउड बेबी। नियम गुड मॉर्निंग, नियम फर्स्ट से गुड मॉर्निंग बेबी, प्लीज बेबी बेबी बॉय 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 बॉय। ओके, नियम बाबूजी का कार्टून चल रहा है, बहुत बढ़िया शानदार। नियम, यू वांट टू गो टू स्कूल? नो 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 नीड टू गो टू स्कूल बिकॉज टुडे संडे। लेकिन अगर वो वैसा नहीं बना तो फिर उसका अपन नया नाम सोचेंगे। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। कि जैसा मैं किचन के बारे में जानता हूँ, ये प्याज बन रही है, ये मसाले रखे हुए, ये मटर है, और ये जो बन रहा है, या तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है? दीदी तू पाव भाजी बना रही है ना शायद? मैं ट्राई कर रही हूँ बेबी। सच में? यस। पाव भाजी गई? यस। जी, मेरी फेवरेट है ना? हाँ सच में दीदी। ओके, ऐसे मेरे तो ये गलत बात है, फिर मैं इंडिया जाके क्या खाया करूंगा? मेरे तो देख तुझे अच्छी नहीं लगेगी, तब भी तुझे यही बोलना पड़ेगी कि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट पाव भाजी। ओके, तो ऐसा रेस्टोरेंट आपने कहीं देखा है जिसमें आपको खाना खाना है पर रेटिंग रेस्टोरेंट के हिसाब से देनी है? वो है मेरी दीदी का रेस्टोरेंट। yes, या मुझे जो ये खाना खिलाती है ये खुद डिसाइड करेगी कि तुझे क्या देना, कड़वा भी लगे या फिर बाल भी आ जाए खाने में या फिर कंकड़ भी आ जाए, पर रेटिंग 10/10 होनी चाहिए। नियम, आई नीड यू लव बेबी, आई लव यू, किस मी प्लीज नियम, प्लीज बेबी, जस्ट से मामा नमस्ते। बस गुड होगा कह रहा हूँ आज का। क्या डाल दिया इसमें? ये टोमेटोस, प्याज में टमाटर। यस है, मुझे भी सिखा दे, मैं फिर आगे के ना बना बना के खाया करूंगा। अब तू रहने दे यार, अब तेरी अपने आप बना के खाने की उम्र नहीं है बेटा, है ना? नहीं, तू मेरे दुख कितने अच्छे समझती है ना। मैं बहुत अच्छे से तेरी बात समझती हूँ, मन की बात, मन की बात। तेरे चक्कर में हो रहा है ये सब कुछ, सब नमक लौंडा बनना है। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी स्वाद अनुसार, जीरा स्वाद अनुसार। चल तेरे बनाना आ गए बेटू। आलू आ गए हैं, ये मेरे केले आ गए हैं, और ये टमाटर आ गए हैं। नाइस जी, एक एक करके ऐसे ला रहे हैं। दूध के डिब्बे, ये भैंस का दूध है, ये ऊंट का दूध है। टर्न ऑफ। ओके, आई एम टर्निंग ऑफ। ओहो, आज मैं आपको सेंटा क्रूज बीच के जाने से पहले पाव भाजी बनानी और सिखा दूंगा मुझे लगता है।
क्रश और यंग हो गए आप एकदम इतने बढ़िया बाल कटाए देखियो इसमें क्या क्या पढ़ाई बताओ नहीं बताऊंगी बता सीक्रेट हाउस भी है यार भाई ओहो कहीं देख रही हो तो ओके तो क्योंकि फिर मुझे उसके हाथ का खाना पसंद आ जाएगा इसलिए यस और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हमारी माँ के बाद मैं नहीं चाहती कि तुझे किसी और का खाना पसंद आए नहीं आता बाबूजी टेस्टी लग रहा है बन गई रेडी है ऑलमोस्ट मतलब इसमें कुछ डालना नहीं है बस पकने का इंतजार है अब इसका पकने का इंतजार है बस गुड तो तुमने बना ही दिया है आदत खराब कर दे मेरी आदत खराब देख जब तक तू जा रहा है उस डेट तक अगर मेरी सारी रेसिपी खत्म हो गई तो तू जाएगा और नहीं तो तू यही रहेगा फिर अपना टिकट बढ़वाएगा और फिर मैं रीजन दूंगा कि अभी दीदी के सारे खाने खत्म नहीं हुए थे अब मुझे तू कड़ी वड़ी भी बना के लाइयो किसी दिन कड़ी या मेरी स्ट्रॉबेरी पापा जी बन के तैयार और साथ में बहुत सारे ब्रेड पर एक बात बता दूं बहुत ही शानदार बने हैं बस बहुत ही शानदार जैसे मैं चाहता हूँ वैसे बनाए आपने एकदम मैंने तो पास तो कर दिया वैसे तू मेरे को रोज मार्क कर देता है हाँ जी तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया दीदी ने बनाई थी मेरे लिए पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट तो अब चलते हैं सेंटा क्रूज बीच की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ की राइड्स वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के बीच वगैरह आधे घंटे घूमने के बाद मिल गई है पार्किंग गाड़ी लगा दी और अब हम आए सेंटा क्रूज बीच वाओ ये जो जगह है इसको मैं कभी कभी टीवी में देखता था या फिर कभी किसी दूसरे के यूट्यूब ब्लॉग्स में ये जो बाहर के लोग होते थे आज मैं इसे खुद बना रहा हूँ तुम्हारा भाई आया है यहाँ मैं बहुत ऊपर यार मुझे जबरदस्ती बैठा दिया बहुत डर लग रहा है दूसरा अकेला और कोई साथ में नहीं है मेरे मैं हूँ इस वक्त सेंटा क्रूज बीच पे सैन फ्रांसिस्को में और मैं अकेला और मेरे पास कोई नहीं है यार देखो कौन बैठा रहा हूँ मैं दोस्त यहाँ यू कपल सब कपल और मैं यहाँ अकेला अमेरिका के सेंटा क्रूज बीच पे अकेला झूला झूल रहा हूँ कोई मतलब बनेगा बताइए यार क्या जिंदगी है यार घर वाले से शिकायत है मेरी यार बहुत डर लग रहा है मुझे मैं बहुत ऊपर हूँ मनीषा दीदी आ गई मेरी जिंदगी इस भाई की तरह हो रखी है इस पूरी राइड पे सिर्फ मैं अकेला था और मेरा ये भाई अकेला था बाकी सब कपल में थे नियम अपना जहाज उड़ा रहा है पर जहाज में भी ऑटो का कलर यूज करा उसने ऑटो का कलर चूज करा और नियम ने अभी दिखा रहा हूँ नियम ने हेलीकॉप्टर में भी ऑटो का कलर चूज करा मैंने अभी अभी सारी राइड खत्म करी है इतना मजा आया भाई बस मैं अकेला हूँ यहाँ पे मेरे साथ में अभी कोई मेरे दोस्त वोस्त नहीं है पर मैं कर रहा हूँ मजे आ रहे हैं बहुत कि नंदू भैया नितिन भैया मस्तानी सब होते तो बहुत बहुत ज़्यादा मजा आता या फिर कोई और होता साथ में तो बहुत मजा आता अभी बस अकेला हूँ इस पूरी दुनिया में इस वाले राइड को देखो ये कितनी तगड़ी है ये जो राइड है ये सबसे तगड़ी और डरावनी है अगर मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं पर ये जो राइड है बहुत ही तगड़ी है और इसमें बहुत मज़ा आता है नियम नियम
नियम नियम सेंटा क्रूज बीच के नज़ारे। मैं बाहर कभी भी आता हूँ ना, मैं बाहर कभी भी आता हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगती है वहाँ की स्मूदीज और शेक। ठीक है, एक से एक वैरायटी मिलती है। फ्रूट्स दुनिया में बाहर के बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, पीने में आता है बहुत मज़ा। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। अब सेंटा क्रूज होगा अपना। ठीक है निया, ये व्हाट आर यू डूइंग बेबी। चलो आ गए हम पूरे, हमें निकले हुए 14 घंटे हो चुके हैं पूरे। हाय पीटर बेबी। हाय बीब्स। तो अब हम आ चुके हैं घर और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे का जगा हुआ हूँ। तो अब नींद आ रही है बहुत तेज, तो सोते हैं, मिलेंगे जल्दी जीवन के किसी अगले दिन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। राम राम जी।